जी मोहतरमा इतने दुख इकट्ठे किए यहाँ आ गई हैं, क्या हुआ? शट अप। बड़ा नया सूट पहन कर आई हो आज। नया सूट लिए? हाँ। तुम्हारी ईद थी। आप यहाँ क्या लेने आई हैं? मैं इतने साल लेने आई हूँ। टेंट लगे मैं जो मर्जी कर रही हूँ। ए, तेरे भाई को शर्म नहीं आती? क्या मतलब? तेरे पैसे खाता है वो। कह रहा था मैंने उसके पैसों का बिजनेस स्टार्ट किया है। हाँ? तो मैं आप कारोबार कर रही हूं। मैं तो डांस एकेडमी बनाई है। मेरे ताई जी को बड़ा अच्छा डांस आता है। आहो मैंने पता 6 महीने है मदारी ना नेओला बन के नचदा रहे है। जिन्ने मशहूर सियासतदान ने सारे मेरे को डांस सीखना चाह रहे। अच्छा मेरी बात सुन, वो आए थे बड़े मियां साहब तेरी एकेडमी में एडमिशन लेने। मियां साहब? हां बड़े मियां साहब आए सन। हां वो भी डांस सीख रहे ना हुन। वो क्यों डांस सीख रहे? ओ मैं कह इन्हां नु भी नचना चाहिदा, इन्ने साल हो गए पूरी आवाम नचाई पई है। सही बात। अच्छा मेरी बात सुन, तुमने वो इमरान खान को भी डांस सिखाना था अपनी एकेडमी में? ओनर ने पूछे आओ, कहंदे मैं नहीं डांस सीखना। क्यों? वो कहंदा मैं ते बीवी दे इशारे आ ते नचे आ। अच्छा मेरी बात सुन, वो ना मौलाना साहब नहीं है, मौलाना डीजल, उनको अपनी एकेडमी में एडमिशन दे दे। ओना नु पहले ही डांस आंदा। वो उनको किसने सिखाया? मुसरत शहीन ने। ये बबर शाह साहब हैं, हीरो हैं हमारे मुल्क के। अच्छा देखो बुरी बात है, अब चली जाओ। चली जाती हूँ। प्लीज जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ, अब खुदा के लिए चले जाओ। वे कोई भेजन वाली गल कर। जोड़ी कैसी लग रही ताया जी? इधर वाली या उधर वाली? अच्छा चल छड़ सारी गल्लां, ओनो मेकअप दा समान पिया बाहर, आ तो जल्दी सुरखी ला ते पास ली कपड़े ते चलिए मौत दे खूह ते। चले जी निकल जाओ यहाँ से, बदतमीज। क्यों घुसने देती हो इनको? ताया जी वैसे इतनी एंटरटेनिंग है वो। एंटरटेनिंग की बच्ची। ताया जी आपके घर भी जिसका दिल चाहे सब आ जाते हैं, है ना? जी क्या बताएं, हजार मर्तबा कहा है कि इस यहाँ से कुंडी नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आपने तो मेरे दिमाग की चटनी बना देनी। लो ऐसा बंदे हैं। हाँ जी किसी को कुछ नजर नहीं आता। ओ बूटे यहाँ सब बंदे हैं। बूटे मेरे बच्चे कहाँ चले आए हो, क्या हुआ है? कोई मजर शाह साहब की फिल्म देख के आए? इसीलिए कह रहा हूँ कि सब बंदे हो, आपके सामने आ भी रहा हूँ तो फिर कह रहे हो कि कैसे आ रहे हो? नहीं तो मतलब मेरे पूछने का था क्या लेने आए हो? कुछ नहीं लेने आया मैं यहाँ। तो फिर जाओ। मैं गरीब हूँ इसलिए आप कहते हैं। अरे आपको पता नहीं है ये जो चौधरी इंसार बातें करता है ये कौन सी अच्छी बातें हैं? क्या ये इल्जाम पे इल्जाम लगा रहा है? ये जो कहता है डॉक्टर आसम की वीडियो है मेरे पास। हाँ। कई लोग पासपोर्ट के बगैर इधर फिर रहे हैं, ये सब सच्ची बातें हैं। देखो उसकी कोई बात नहीं असली, ना उसके बाल असली है ना उसकी बात असली है। बेटे नहीं कहते इस तरह किसी की शख्सियत के बारे। उस बंदे ने आप क्यों डर रहे हैं इतना? जी इस्लामाबाद में बैठकर कराची में ऑपरेशन करवाया है, लोग अब सुख का सांस ले रहे हैं, अमन हो गया है उसकी वजह से। फिर उधर को उसकी वजह से आप ताया जी पागल है ना, वरना चौधरी ने सार तो ही इज मेकिंग हिस्ट्री। जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाई, जिस तरह कराची की सिचुएशन को हैंडल किया और बड़े बड़े मौकों पे प्राइम मिनिस्टर के सामने वो स्टैंड ले लेते हैं। जी हाँ वो जी बड़ा जीदार आदमी है। ये मैं आपको बता दूं। ये मोहतरमा हमारी बिटिया हैं, बावलपुर से आई हैं और ये अपने इलाके की बहुत खिदमत करती हैं। क्या करती हैं इलाके में? ये सर्दी में लोगों के घरों में कोयले सप्लाई करती हैं। ऐसा जाहिल आदमी की बात है। कहीं बात करना चाहता हूं मैं इनसे। ये साथ वाला मुल्क है ना सरहद पार से, जो दवाई 125 रुपए की मिलती है ना, इधर 500 रुपए की मिलती है, वो भी गारंटी नहीं है कि एक नंबर है या दो नंबर है। लो ये क्या बात है? ये वैसे सही कह रहे हैं, हेपेटाइटिस और कैंसर की दवाइयां इंडिया में बहुत सस्ती हैं है। और ये वैसे एक अलमिया है। आप कौन है? सर ये बबर शाह साहब हैं। और जब ये क्या करते हैं, तवीज धागा करते हैं कोई? बेटे स्टार हैं और बहुत बड़े फाइटर हैं, चपेट मारे तो बंदा दो दफा दीवार में लगता है फिर नीचे गिरता है। ये फिल्मों में काम करते हैं जी? अरे आजकल बंदा कौन है जो फिल्मों में काम नहीं करता? जाओ जाके देखो मस्जिद में लिखा होता है कि ध्यान से रहिए,
जूतों वाली जगह पे कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो मतलब शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो सही कह रहे, तुम्हें ये नहीं पता आगे से कह रहे हो कि तो पांच मिनट की अल्लाह से बात करनी होती है। हाँ जी, बाद जमात जब मस्जिद में खड़े होते हैं, हाँ जी, तो बाहर गनमैन खड़ा करते हैं आप लोग? हाँ जी। क्यों खड़ा करते हैं? ताकि कोई जूता ना उठा के ले जाए। तो आप क्या हमारे दरवाजे के पास ही बैठे होते हैं कि मेहमान आए और आप घुस जाओ? नवी जूती लेके आया, मैं कह दी मिठाई खवा, जूती बेच के मिठाई ले आया। अच्छा बेटा जाओ, अभी मेहमान है। ये हमारे गली का पागल है, इलेक्शन हार गया था, मुझे भी हिला के रख दिया पागल। रोजे आज होटल रोटी दा खोल के बह गया। मैं पूछा, मैं कहा सुना की बचे है? कहना अल्लाह का शुक्र है सारा ही बच गया। Why are you here? I love you. आये जी इसको देखें, मुझे कहता है I love you। तुम करते क्या हो? दो टके तो कमा नहीं सकते, मुझे कैसे रखोगे अपने साथ? ओ दो टके कह रही है, दो टके हाँ मैं कह रही है। शुक्र कर अमीर ताया तेन अल्लाह ने दिता, तेरे नखरे नहीं मार, नहीं तो तेरे रह गया ते अपने ब्याह ते ना पुठी जूती पा के डिग पैंदियां काली। ओए हां की हो गया? Just shut up, okay? तेरी ये खबरनामे च खंग के माफी मांगदी है। माफी चाहती हूं। क्या मसला क्या है तुम्हें मुझसे? What's your problem? You are just jealous because I'm highly educated and you are unpal jahil, okay? बहुत मोहब्बत करती है मुझसे। आता अब मेहमान है, उधर ना देखो डर जाएंगे। Excuse me. आया जी, बाकी ये इलेक्शन हार के ऐसा हो गया बेचारा? हाँ बेचारा इलेक्शन हार गया चेयरमैन की सीट से। ओए होए। पहले तो जीत गया था, फिर बाद में दोबारा गिनती हुई तो हार गया। पता हाँ। नहीं इस जैसे कितने बेचारे अब मुल्क में बस पागल हो गया है। जी देखिए इतने खास मेहमान आए हुए और यहाँ पे आपने इसको बिठा दिया है, निकालिए इसको घर से बाहर। क्या है तेरे लिए ना अराबी दे पुल ते सदके दे शॉपर बेच दिया। अराबी दे पुल ते सदके दे शॉपर बेच दिया। भरावा ओए नहीं है जेबा, तेरे खुसरे ठीपे आ तो नचदे आ।